जय श्री राम दोस्तों। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार अच्छा खासा मन रहा है, मन रहा था। बीच में एक आ गया लोगों का कि भद्रा है, भद्रा का वास हो गया, रावण के बहन ने उसको राखी इसी में बांध दी, इसी भद्रा काल में, जो कि कहीं लिखित नहीं है। ये बात कहीं पर शास्त्रीय नहीं है, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। अगर किसी को दिखे तो आप एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, रावण के बहन ने सूर्पनखा ने रक्षाबंधन में भद्रा काल में राखी बांध। चलिए इस बात को हम नहीं लेते हैं, इस बात को हम अलग करते हैं। और ये एक संशय का विषय है और ये विचार करने योग्य बात है कि हमारे त्योहार दो दो दिन क्यों भटक जाते हैं। क्या हमारे मत एक नहीं है, हमारा शास्त्र एक नहीं है, या हम कुछ ज्यादा जानते हैं, कुछ कम जानते हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि हमारे शास्त्र तो एक ही है मगर हम लोग कितने पढ़ लिख गए या क्या कर गए कि हम अपने फॉलोअर को, अपने मानने वालों को ऐसा भटका देते हैं कि तुम इस दिन मनाओ, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। मेरे अनुसार ये बात ठीक नहीं है। 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्योहार होना चाहिए। इसके कुछ पुख्ता रीजन है मेरे पास, पुख्ता कारण है मेरे पास, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। करना आपको जो है वही करेंगे मगर थोड़ा सोचने की जरूरत है इस शास्त्र पर। देखिए पहला कारण जो मेरे पास है वो है त्योहार किसको कहते हैं। त्योहार वो है ना जो तिथि के अनुसार मनाया जाए। तिथि एक खास तिथि जिसमें एक वर्ग, एक समूह सामूहिक उत्सव मनाते, खास तिथि। तिथि पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं इसलिए क्योंकि उस खास तिथि में ही करने पर वो काम होता है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन ही मनाने वाला त्योहार है। इस बार पूरा ग्लोबल ऐसा हो गया है कि उस दिन भद्रा है, भद्रा को समझ भी नहीं पाए लोग, भद्रा का क्या मामला है, क्या मतलब है, क्या है नहीं है, कहां से क्या एक छोटी सी चिंगारी चल गई और वो पूरे के पूरे को खत्म करके छोड़ गया। भद्रा है तो भद्रा का त्याज्य भी तो होता है, भद्रा है तो आपको भद्रा खाई जाएगी, ऐसा थोड़ी ना। भद्रा का त्याज्य भी है, शास्त्रीय ही है। आपको भद्रा किसने बताया, भद्रा कहां से भद्रा आई आपके पास, पंचांग नहीं तो दिया आपके पास। पंचांग में करण है, एक पांच अंग होते हैं पंचांग के, तिथि वार नक्षत्र करण और योग। करण में 11 करण है, उसमें से 8वां करण है विष्टिकरण। विष्टिकरण का ही नाम है भद्रा। भद्रा सूर्य और छाया की पुत्री है, ये उत्पाती स्वभाव की है, थोड़ा इसे बचा जाता है मगर इसका त्याज्य भी पंचांग में ही दिया हुआ है। अब इस त्याज्य को आप देख लीजिए क्या क्या त्याज्य दिया हुआ है और मैं पंचांग के श्लोक के साथ आपको ये बता रहा हूं कि ये इसका त्याज्य जिससे कल ही मनाया जा सकता है, रक्षाबंधन का त्योहार कल मनाया जा सकता है और कल का दिन भी बहुत अच्छा है। दो दो समय पर दिन है हमारे पास और शास्त्रीय तरीके से बता रहा हूं मैं। दूसरा कारण, पंचांग के अनुसार भद्रा यदि पृथ्वी या मृत्यु लोक, दोनों एक ही को बोलते हैं, इसमें वास करे तो उस समय में कोई कार्य आरंभ करना या कार्य करना आपके लिए विनाशकारी हो सकता है। भद्रा यदि स्वर्ग लोक में वास करे तो आपके लिए सारे काम शुभकारी होते हैं। भद्रा यदि पाताल लोक में वास करे तो आपके लिए सारे काम धन आगमन के लिए उत्तम माना जाता है। ये पंचांग कह रहा है आपको, जिसने भद्रा इंट्रोड्यूस किया आपको, भद्रा से परिचय कराया आपका जिसने, उस वही पंचांग आपको कह रहा है। आप ये मुहूर्त चिंतामणि है, बहुत अच्छी पुस्तक है। सिद्धांत स्कंद बोलते हैं इसको, स्कंद मतलब आप ये समझिए ज्योतिष को तीन पार्ट में बांटा गया है, सिद्धांत स्कंद, संहिता स्कंद और होरा स्कंद। अब आप होरा को, जो सारा ज्योतिष जो पढ़ते हैं ना वो होरा है, उससे पहले संहिता है, उससे पहले सिद्धांत है। सिद्धांत में जिसमें पंचांग बना, मैंने पंचांग का अभी YouTube पर भी और जहां जहां पर मैं दे सकता हूं वहां पर पंचांग डिटेलिंग में कैसे तिथि कैसे है, वार क्या होता है, नक्षत्र से कैसे कैसे काम करें, योग कैसे बनेंगे और करण जो अभी विष्टिकरण की बात हम कर रहे हैं वो करण का क्या मतलब, ये सारा मैं डिटेलिंग में बता रहा हूं। YouTube पे तो मैंने शुरू कर दिया है और ये वीडियो हो सकता है मैं Facebook पे भी डालूं, अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे सारे त्योहार दो दो दिन होते हैं जबकि
बात वही है, कोई अंतर नहीं है। अब आप समझिए 12 तारीख को एक छोटे से डर की वजह से 12 तारीख को करने जा रहे हैं, जिस दिन पूर्णिमा है ही नहीं। 11 को भी करेंगे, 12 को भी करेंगे। कुछ लोग मतांतर हो गया। मतांतर क्यों हो रहा है जब शास्त्र एक ही? आपका बनाया हुआ शास्त्र तो है नहीं, शास्त्र मेरा बनाया हुआ है तो है नहीं, शास्त्र हम सब वही शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो अपना अपना क्यों डाल रहे हैं उसमें? इससे संबंधित जो नियम है वो इस प्रकार है, जब भद्रा लगे चंद्रमा राशि नंबर 4, 5, 11, 12 अर्थात कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में हो, भद्रा मृत्यु लोक की मानी जाती है या पृथ्वी लोक की मानी जाती है। जब भद्रा लगे उस समय चंद्रमा यदि राशि नंबर 1, 2, 3, 8 अर्थात मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक राशि में हो तो भद्रा स्वर्ग लोक की मानी जाती है। तीसरा है, जब भद्रा लगे तब चंद्रमा यदि राशि नंबर 6, 7, 9, 10 या कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल लोक की मानी जाती है। अब हमारे पास अभी जो चंद्रमा है वो मकर राशि का चंद्रमा है, 11 अगस्त को मकर राशि में ही चंद्रमा है, तो अभी भद्रा पाताल लोक की मानी जाएगी और धन आगमन के लिए, धन से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो इसमें कहां कुछ गलत, कुछ भी गलत नहीं हुआ ना, सब ठीक हो गया। भद्रा का जो खराब प्रकोप था वो भी दूर हो गया, फिर भी हम डर गए। अब देखिए तीसरा कारण मैं इसमें दे रहा हूं और वो भी बहुत अच्छा कारण है, जो कि कल ही हम रक्षाबंधन मना सकते थे। ये चीजें किताब में ही लिखी हुई पढ़ी है मैंने, शास्त्र में ही लिखा हुआ पढ़ा है मैंने बाहर से कहीं से नहीं लाया, सबके लिए पुस्तक है। मैं एक एक साक्ष्य दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। तो क्या उन लोगों को पता नहीं जो ये फतवा जारी कर देते हैं? ये कहां से जारी करते हैं? ये कहां से हारा है ये? या हमारा कोई नहीं करता, हमारे किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब जैसे तैसे चल रहे हैं। खैर मैं अगला बता रहा हूं आपको, भद्रा जब भी होता है ना तो उसका मुख में वास होता है या पूंछ में वास होता है? दोनों, मुख में वास होना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है उस समय में, और पूंछ में वास होना मतलब कम इफेक्टिव होता है। उसके बाद जो उसका वास होता है उसमें वो प्रभावहीन होता है। अब देखिए मुख में कैसे वास है और पूंछ में कब वास है? पूर्णिमा के दिन। वैसे तो इसके चार भाग होते हैं और चारों भाग में अलग अलग तरीके से वास होता है, मैं केवल 11 तारीख के पूर्णिमा के दिन भद्रा का वास कैसे कैसे होता है ये आपको बता दें। इसमें नियम है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष तृतीया तिथियों को विष्टिकरण अर्थात भद्रा के चतुर्थ भाग की प्रथम 5 घटियों तक भद्रा मुख में रहती है। 5 घटी 2 घंटे को कहते हैं। ऐसा मान लो कि 10:30 बजे से भद्रा लग रही है और 8:51 तक भद्रा है, तो 12 से 9, 9 घंटे आप उधर पकड़ लो और इधर 1.5 घंटे ले लो, तो 10:30 घंटे का भद्रा काल हो गया पूरा। इसको 4 भाग में आप विभक्त कर लो, तो 4 भाग में जब 10:30 घंटे को करेंगे तो 2.5-2.5 घंटे का 4 भाग में आप विभक्त कर लिए, तो चौथा भद्रा है, मतलब 2 घंटे तक लास्ट वाले 2.5 घंटे में मुख में भद्रा रहेगी, ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, तो आप वो 2.5 घंटा छोड़। उसके बाद पूंछ में भद्रा का जो नियम है वो इस प्रकार है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि को विष्टिकरण अर्थात भद्रा के तृतीय भाग की अंतिम 3 घटी में भद्रा पूंछ में रहती है। इसका कहने का मतलब यह है कि तृतीय भाग अर्थात जो हमने 4 भाग में बांटा था उसको, उसमें तृतीय भाग में 1.5 घंटा और ले लो अंतिम। मैं कह रहा हूं कि जो 2.5 घंटा तीसरा वाला है, 2.5 घंटा चौथा वाला है, ये पूरा मिला के 5 घंटे को खत्म कर दो भद्रा वाला, जो मुख और पूंछ, हम बिल्कुल मुख और पूंछ के इर्द गिर्द भी ना घूमेंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़े बच्चे। 5 घंटे पहले के हमारे पास, वो हमारे पास 11 अगस्त को 10:30 बजे से 3:45 बहुत अच्छा समय है जो हम रक्षाबंधन के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक ये कारण बहुत ही बड़ा कारण है और पंचांग से ही है, कहीं बाहर से मैं लेकर नहीं आया। ये हो गया तीसरा कारण। चौथा कारण कि चलो भद्रा की वजह से हम ना करें, हम 10:30 से 8:51 तक, 8:50 तक नहीं, 9 बजे तक हम नहीं करेंगे रक्षाबंधन, तो 9 से 9:45 तक का एक समय है जो बहुत अच्छा है, हम उस समय कर सकते हैं। पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का त्योहार आनंद से कर सकते हैं। हम वो भी नहीं करेंगे, हम अगले दिन मनाएंगे जिस दिन, अब ये किसने कहा है, कहां से आया है, अगले दिन का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, जबकि उस दिन हमारे पास 2-2, 3-3 समय है। उस दिन भद्रा खत्म होने के बाद 8:51 पे भद्रा खत्म हो जाए, उसके बाद
9:45 पीएम तक बहुत अच्छा समय है, हम उस दिन फिर रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं, अपने ही तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मना। मैं हो सकता है इस बार विफल हो जाऊं अपनी बात को रखने में, अपनी बात को साबित करने में, मगर मुझे आप लोगों का थोड़ा सहयोग दे दो, कुछ हमारे इस शास्त्र के साथ खिलवाड़ चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कैसे बोला जा सकता है किसी को पता नहीं, मैं आपको दिखाऊं इतने सारे, ये देखिए मैं ये सब लेकर बैठा हुआ हूं, मैं ये 100 साल पंचांग लेकर बैठा हुआ हूं, मैं कई बार भद्रा दिखा दूं आपको इसमें जब समय पे पड़ा है, इस बार मैं कई सालों का पंचांग लेकर बैठा हूं, अभी सारे पुस्तक जो भी हो सकता है उधर रखे हुए सारे, जो भी हो सकता है मुझे इस बार ये बात कहीं से क्लिक कर गई कि हो क्या। ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, पहले भी होता था, मैं भी हंस लेता था, अरे अब तो दो दो बार होने, ये क्या क्यों नहीं समझते कोई। इस बार मैं लेकर बैठ गया, इस बार मैं थोड़ा बोला कि मैं पंचांग पे आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ, उस टाइम आदमी रिसर्च के मोड में होता है जब कुछ कर रहा होता है, इस बार मेरे दिमाग में क्लिक कर गई ये बात। पता नहीं कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, जो एक दो लोग देखें वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसके पास तक ये वीडियो पहुंच पाए। कल रक्षाबंधन मनाने का है, समय है, कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी जो मर्जी है वो तो आप, मजाक तो कैसे भी किया जा सकता है ना, कल करें परसों करें, मजाक जैसे भी करें वैसे उत्तम है। अच्छा, जय श्री राम।